कर दिया गया। आजमगढ़ के चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में हुए 31 जुलाई को छात्रा के सुसाइड करने का मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। सबसे ताजा अपडेट ये है कि प्रिंसिपल और टीचर दोनों को जमानत मिल गई है और दोनों जेल से रिहा हो गए हैं। जांचकर्ता ने सबूतों की कमी बताकर अभियुक्त स्कूल के प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय को क्लीन चिट दे दी। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। गरीबों के कोई नहीं है, अगर गरीब है तो उसे सिर्फ हारना है, उसे दबाना है, बस यही है। और आज मैं हारी हूँ या दबाई गई हूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे लड़ाई लड़ूँ भी कैसे लड़ूँ, किस पे भरोसा करके लड़ाई लड़ूँ, कौन मुझे न्याय दिलाएगा। मेरी बेटी चली गई तो मुझे मेरी बेटी तो नहीं, लेकिन मुझे न्याय से तो उम्मीद न्याय तो मिलता। आज मेरी बेटी को न्याय भी नहीं मिल रहा है और उसके चरित्र पर इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं गंदे गंदे, क्या गरीब कुछ जीने का अधिकार नहीं है। श्रेया का मामला बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, एक तरफ शिक्षक तो दूसरी तरफ अभिभावक, दोनों आमने सामने हैं। आजमगढ़ के सिथारी थाना क्षेत्र के महादेवी इंटर कॉलेज के छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और श्रेया तिवारी की मौत के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर श्रेया की मौत से जुड़ी नई बातें लगातार सामने आ रही हैं। अभी तक के साक्ष्य संकलन के दौरान विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरा और उसके डीवीआर जब्त करते हुए सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है। फुटेज से 31 जुलाई को लगभग 12 बजे के बाद से छात्रा का प्रिंसिपल के कमरे में जाना, बाहर आना, कमरे के बाहर काफ़ी देर तक खड़े रहना और लगभग 1:15 बजे के आसपास प्रिंसिपल के कमरे से तेज़ी से सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाते हुए तीसरी मंजिल पर जाना प्रमाणित हुआ है। एक अन्य फुटेज में छात्रा के गिरने का वीडियो भी प्राप्त हुआ है जिसको विवेचना में शामिल किया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान बेंजीडीन टेस्ट किया गया जिससे यह प्रमाणित हुआ कि जिस जगह पर छात्रा गिरी थी वहाँ पर ब्लड की मौजूदगी थी, लेकिन उस ब्लड को स्कूल के कतिपय लोगों द्वारा वहाँ से साफ कर दिया गया था, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि इस जगह को पानी डालकर साफ करने का प्रयास किया गया है, यह साक्ष्य मिटाने का अपराध है। पुलिस के मुताबिक जांच में मालूम पड़ा कि छात्रा के पास से मोबाइल मिलने पर उसकी काउंसलिंग न करके उसे मेंटली टॉर्चर किया गया। अभी तक की विवेचना से बात प्रकाश में आई है कि अभियुक्तों द्वारा छात्रा के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर प्रोफेशनल काउंसलिंग ना करते हुए इसकी बजाय अत्यंत ही इनसेंसिटिव और अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। घटना वाले दिन भी छात्रा को उसकी क्लास अटेंड कराने के बजाय प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, सजा के रूप में उसको प्रिंसिपल रूम के बाहर काफ़ी देर तक खड़ा रखा गया। इसी मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक रूप से प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़े होने में छात्रा को महसूस हुआ होगा, जाहिर सी बात है कि जो उसके सहपाठी हैं उसमें बेइज्जती उसको महसूस हुई होगी। इन्हीं सब मानसिक प्रताड़नाओं के कारण उसके द्वारा तब तक वहाँ से निकलते हुए और ऊपरी मंजिल पर जाकर वहाँ से कूदकर आत्महत्या कर ली गई। एक तरफ जहाँ पुलिस सीसीटीवी कैमरों को निकालकर सबूत खंगालने में लगी थी, तो वहीं आज साक्ष्यों में कमी बताकर स्कूल के प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय को क्लीन चिट दी गई, जिसके बाद दोनों ही जेल से रिहा हो गए हैं। किस तरीके से सवाल ही करना चाहते हैं।